हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो है कि हम गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि हमारा बच्चा ना जब नहीं सुनता है कोई भी, अगर आप बार बार रिपीट करते हो वो आपको कोई रिस्पांस नहीं देता, कुछ नहीं सुनता है, 1% भी रिप्लाई नहीं करता है। 50 दफ़ा आप कह रहे हो बोलो बोलो, दे दो ले लो ना, लेता है ना देता है, लेना देना कैसे सिखाएं। या फिर ये सवाल होता है कि स्पीच हमें स्टार्ट करनी है तो कहाँ से शुरुआत करें। ये भी होता है ना, अभी हमारे यहाँ कूलर चल रहा है, थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दूसरे कमरे में बिटिया सो रही है, हमारे 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों के साथ मुझे अपने बच्चे का जो है स्पीच कराना रहता है, ओटी कराना रहता है। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ वही आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, घर पे कैसे सिखाती हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला होता है कि हम बच्चे को स्पीच कहाँ से शुरू करें, ओटी कहाँ से शुरू करें, किस आइटम से, कौन सा ऐसा है जिससे मैं कराऊं तो मेरा बच्चा जल्दी से सही हो जाए। बहुत सारे दिमाग में सवाल आते हैं, मेरे भी आते थे। मेरे बच्चे को हो गया ओटी कराते हुए, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, स्पीच का 1 साल हो गया है, मैं स्पीच आ भी गया है। तो ये होता। और दूसरा होता है हमेशा कि उस टाइम मुझे गुस्सा बहुत आता, तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करूँ। बच्चे पे हाथ भी उठ जाता है, उसको मार देते हैं, डांट देते हैं, बाद में पछताते भी हैं, खुद भी रोते हैं। मेरे साथ होता था ये, तो आप लोगों के साथ भी होता होगा जिनका बच्चा ऐसा। बहुत अच्छे से मैं समझ सकती हूँ उन माओं की तकलीफ, क्योंकि पापा तो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, उनको बाहर के काम भी देखने होते हैं, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत होती है हमारे बच्चे की ओटी कराने के लिए। कॉस्टली काफ़ी होता है इसमें, ज़्यादा पैसा लगता है। तो वही आपके साथ मैं लेके आई हूँ कि मैं कैसे गुस्से को कंट्रोल करती हूँ, कैसे अपने बच्चे की शुरुआत करती हूँ, किस आइटम से कराती हूँ। तो कोई आइटम नहीं, आप घर की चीज़ों से कराना शुरू कीजिए। जैसे लेना देना, जैसे कि आप गिलास ले लिए तो ले लो पानी, उनको प्यास लग रही है तो पानी पानी। जैसे सबसे पहले आप पानी से स्टार्ट कीजिए। पानी प्यास लगती है, इस समय गर्मी है। मैं पूरे, आपको यकीन नहीं होगा, मैं पूरे 3 घंटे अपने बच्चे को पानी नहीं दी और मैं खुद भी नहीं पी थी, बैठ के लगातार उसको प्रैक्टिस करा रही थी कि बोलो पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। तो आप देखिए, अब वो बोलता है कि पानी दे दो। ईशान इधर आओ, देखिए कैसे पानी बोलते हैं। इधर आओ ईशान, कम ही है, पानी दे दो, अब पानी दे दो बोलते। नहीं फिर ये पानी नहीं मांगते थे, अब मुझे पकड़ के हाथ ले जाते थे, अब बोलते दे दो पानी। बोलो बोलो, नो 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 नो, बोलो पानी। ईशान ईशान ईशान, पानी चाहिए, बोलो पानी। और एक चीज और, आपका बच्चा नहीं बोला तो ऐसे यहाँ लगाइए, यहाँ से उसका हाथ पे देखिए आप। यहाँ जाओ ईशान, कम यार, ईशान ईशान कम कम कम, ऐसे देखिए, यहाँ से आवाज निकलता है ना, यहाँ से ऐसे पानी, बोलो पानी 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 पानी। देखिए तो यहाँ जब आवाज दोगे ना, टोन हाथ पे लगेगा, फिर ऐसे लगाओगे, स्टार्ट यहाँ से कीजिए, पानी पानी दे दो बोलने लगे। मतलब कुछ भी अब इनसे बुलवाती हूँ तो बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा धैर्य रखना है, बहुत, मतलब कभी कभी मेरे साथ भी होता था कि मैं बहुत निराश हो जाती थी, ऐसे लगता था कि ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। बहुत ऐसे समय आया है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा निराश हुई थी, भगवान के सामने रोती थी कि भगवान मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। ये हर माँ के दिमाग में आता, मेरा बच्चा ऐसा क्यों। लेकिन सिर्फ मेरा और आपका बच्चा ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये दिक्कत है। इसलिए मैं ये वीडियो साझा करती हूँ कि आप भी एज ए मदर, मैं फेस कर रही हूँ, मैं परेशान हूँ तो आप भी परेशान होंगी। तो परेशान एकदम मत होइए, आप एक स्पेशल मॉम है, ये सोचिए ना कि आप एक स्पेशल मॉम है। मेरा बच्चा स्पेशल है, सब बच्चों से स्पेशल है। तो मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि मेरा बच्चा ऐसा है, तो मुझे उस अपने बच्चे को सही करना है। उस पर फोकस कीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। नकारात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में आती हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं हम, लेकिन क्या करेंगे।